हेलो फ्रेंड्स, आज बनाने वाली मैं साबूदाने की वेजिटेबल बड़े। ये देखिए, ये मैंने साबूदाना भिगो के लिए क्या साबूदाना भिगा के लिए। अब मैं सारा वेजिटेबल के साथ इसको ना मिक्स करूँगी। देखिए, सारा वेजिटेबल मतलब ये मैंने गाजर को कद्दूकस करके ली, पत्ता गोभी को काट के ली, और ये आलू कद्दूकस करके ली, और ये प्याज ले ली एक बड़ा सा, 5-6 हरी मिर्ची और ये हरा धनिया। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ। एक बाटी भर ये साबूदाना है, 150 ग्राम होगा। सबसे पहले मैं हरी मिर्ची देती हूँ, और ये आलू, और ये पत्ता गोभी, और ये गाजर, और ये हरा धनिया ज़्यादा करके दे रही हूँ ताकि, और एक प्याज। ये प्याज आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं खाते प्याज तो बिना प्याज के भी बना सकते हैं। ये स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, इससे क्या होता है टेस्ट बहुत अच्छा होता है इसके लिए। और थोड़ा सा अजवाइन, मैं इसको क्रश करके डालती हूँ। अब मैं इसको पूरा मिक्स करके लेती हूँ। इसका 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाली हूँ, इसका सिर्फ बाइंडिंग के लिए, बाकी ऐसा मतलब देना ज़रूरी नहीं है। अगर आलू को मैं बॉईल करके मैश करके डालती तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये रेडी है पूरा, मैंने इसको मिक्स करके ली। अब मैं इसको बनाती हूँ। आप इसको कैसे भी अपने मनपसंद शेप डाल सकते हैं, मैं तो ऐसा गोल गोल ही बना रही हूँ। ये देखिए, देखिए आराम से ये पलटी मर जाती है, ऐसा कुछ चिपकता वगैरह कुछ नहीं है, और ये मस्त होती है, खाने में बहुत टेस्ट रहता है। आप इसको दही के साथ, टमाटर सॉस के साथ, या तो ऐसी ही मतलब खा सकते, मतलब बहुत अच्छी बनती है। ये सब हो गया, अब मैं इसको उतारती हूँ। सब रेडी है, मैं अब निकाल के लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये नाश्ता रेडी है। तो ये साथ में मैं दही रखी और हरा चटनी, और ये नाश्ता तो रेडी है। देखिए कितना मस्त बना है पूरा एकदम। ये चीज़ आप बाजार से खाएंगे तो कैसा लगेगा आप सोचिए। तो थोड़ा सा मेहनत है, बाकी तो घर का नाश्ता है,